हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्टेड क्लास थर्ड, सब्जेक्ट ENV एंड चैप्टर हमारा है 14th नंबर का और सेमेस्टर हमारा 2 स्टार्ट हो गया है। द स्टोरी ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे एक आपको स्टोरी दी है, उसका कुछ पैराग्राफ इस तरह का कुछ सेंटेंस नहीं दिया है, बट यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी रीड करनी होगी। और खाना बनाने वाली एक स्टोरी दी है, यहाँ पे है वेनुस फैमिली और रानीस फैमिली की स्टोरी दी है। तो वेनुस की फैमिली देख लेते हैं पहले हम। तो वेनुस की फैमिली है, उसमें उसकी मम्मी है वो कुछ काम कर रही है, कुछ मटका बना रही है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का कुछ काम कर रही है। और वो उसके फादर होंगे या कुछ आई थिंक उसका हस्बैंड होंगे। तो वो क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर में है कि वो वेनुस है, वो और उसके मम्मी पापा दिनों साथ में खाना खा रहे हैं। फिर थर्ड पिक्चर में है कि वेनुस है, वो साइकिल चला रही है और उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये है वेनुस की फैमिली। अब आते हैं हम रानीस की फैमिली में क्या है। तो रानी की मम्मी है, वो उसकी मम्मी है फर्स्ट पिक्चर में, वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। फिर सेकंड पिक्चर में शायद उसका ब्रदर और उसके फादर होंगे, तो वो दोनों को वेनुस क्या कर रही है, बच्ची खाना परोसती है, खाना सर्व करती है, तो वो दोनों को खाना खा रहे हैं। फिर थर्ड पिक्चर में है उसके पापा हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। और उसकी रानी की मम्मी और रानी, वो कुछ सामान बाजार से लेकर घर आ रहे हैं। देखो रानी के ऊपर है घड़ा और उसके मम्मी के ऊपर है ढेर सारा सामान है। तो इस तरह से रानी की फैमिली और वेनु की फैमिली इस तरह से है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। यहाँ पे इस दोनों फैमिली में काम किस तरह के है, तो देखो यहाँ पे दोनों फैमिली में डिफरेंट काम है। फर्स्ट फैमिली में शेयरिंग ऑफ वर्क हो रहा है, मतलब साथ साथ मिलकर सब वर्क कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में है शेयरिंग ऑफ नॉट वर्क, यहाँ पे वो उसकी मम्मी खाना बनाती है, फिर वो उसके मम्मी पापा और उसका भाई पहले खाना खा लेता है, फिर वेनुस फिर रानी की मम्मी खाएंगी, इस तरह का सेकंड पिक्चर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिलीज, कि आपकी फैमिली में इस तरह का होता है। इफ़ यस लाइक विच वन, हाउ इज़ योर फैमिली लाइक्स देयर। तो अगर इस तरह का है तो आप किस तरह का अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हैं, कुछ वर्क करते हैं, आप किस तरह का करते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। साथ में खाना खाते हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नॉट लेट यू टॉक अबाउट योर फैमिली, यहाँ पे आपकी फैमिली के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली एट टुगेदर, इफ़ नॉट वाई, अगर आप साथ में आपके फैमिली में साथ में खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं तो यस लिखना है, अगर नहीं खा रहे हैं तो क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप खा रहे हैं तो आपको इस तरह का आंसर लिखना होगा, यस ऑल द पीपल इन माय फैमिली ईट टुगेदर। अगर नहीं खा रहे हैं तो लिखना होगा आपको आंसर, नो ऑन द पीपल एट माई फैमिली एट नो एट टुगेदर, फर्स्ट माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर इज देन माई ग्रैंड मदर एंड लास्ट माई मदर मी एंड माई सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, इस तरह का कुछ आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एट लास्ट इन द फैमिली, आपके फैमिली में लास्ट में खाना कौन खाता है, अगर खाता हो तो आप इसमें लिख सकते हैं आपका मम्मा का नाम। ओके, हमेशा सभी के घर में क्या होता है, पहले मम्मा सबको खाना सर्व कर देती है फिर वो लास्ट में खाती है। अगर आपके घर में इस तरह का होता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि माई मदर इट्स लास्ट इट द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई, आपके फैमिली में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है और क्यों नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा माई फादर एंड माई ब्रदर डू नॉट हेल्प इन द कुकिंग फूड बिकॉज,
क्योंकि वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, इसीलिए बिकॉज अ जॉब. नेक्स्ट यहाँ पे इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेंटेनेड, फाइंड आउट वू डस थेम इन योर हाउस एंड वू डस थेम इन योर फ्रेंड्स हाउस, कैन एड सम अदर वर्क ऑल्सो टू द लिस्ट. यहाँ पे आपको कुछ वर्क का लिस्ट दिया है और नेक्स्ट पार्ट में है वू डज द वर्क इन योर हाउस एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस. यहाँ पे वर्क देखकर आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपके घर में आपका ये वर्क कौन कर रहा है और आपके फ्रेंड्स ने भी ये वर्क कौन कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. ओके, तो हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड. आपके घर में खाना कौन बना रहा है, आपके मम्मी बना रही है या सिस्टर बना रही है, तो आप उसका नाम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं. देखो मैं आपको दिखा दी आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं मदर. और आपके फ्रेंड्स के घर में कौन खाना बना रहा है, तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं मदर. ओके, नेक्स्ट है बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट में कुछ सामान के कुछ और चीज़ें लेनी हो तो वो कौन ले आता है, आपके घर में ब्रदर या सिस्टर कोई भी ले आता हो तो उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं. और फ्रेंड्स के घर में कौन लेने जाता है तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट है स्वीपिंग. स्वीपिंग का मतलब होता है कि आपकी हर शरत है, हर चीज़ें की शरतें कौन पूरी करता है, आपकी सभी मांगे होती है वो कौन पूरी करता है, तो पापा है आपका, आपका बड़ा भैया होगा, आपकी बड़ी सिस्टर होंगी, तो वो करते होंगे ना. आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो, तो आप यहाँ पे आपके फादर का नाम लिख सकते हैं फादर. और आपके फ्रेंड्स में वो कौन करता है तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है. फिर नेक्स्ट वन क्लीनिंग द यूटेंसियल. यूटेंसियल्स का क्लीनिंग का मतलब होता है साफ़ करना और यूटेंसियल का मतलब होता है बर्तन. तो बर्तन कौन साफ़ करता है, तो आपकी सिस्टर. तो आप यहाँ पे आपके सिस्टर का नाम लिख सकते हैं सिस्टर. और यहाँ पे आपका जो फ्रेंड्स है उसके घर में कौन कर रहा है, सिस्टर या मदर, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ वाटर. जब सुबह पानी आता है तो पीने के लिए पानी, फिर आपको यूज़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सब पानी है वो फिलिंग मतलब कौन भर रहा होता है, तो आपके मम्मा फादर जो भी भरता हो उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है. फिर यहाँ पे आपको टू और एक वर्क के नाम लिखने हैं, तो आप यहाँ पे वर्क आप टू किस तरह के कुछ डिफरेंट लिख सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, अदरवाइज आप नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वू डज मोर वर्क इन योर हाउस एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस. आपके घर में और ज़्यादा वर्क होता है वो कौन कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे आपके घर में क्या होता है वर्क, अगर आप कुछ घर में वर्क करते हो तो आप उसका नेम लिख सकते हो, अगर आप फ्रेंड्स के घर में कुछ इस तरह का वर्क होता है तो आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट है वेट डज वेट वी वेट कम फ्रॉम. द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम्स टू लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन अराउंड दज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ड्रॉ अ रेड ग्राउंड अराउंड दज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. यहाँ पे आपको क्या करनी है, एनिमल्स से जो चीज़ें मिलती हो उसमें करना है रेड, और प्लांट से जो भी चीज़ें मिलती है उसमें करना है आपको ग्रीन कलर. तो पहले हम ले लेते हैं ग्रीन कलर. और यहाँ पे हमें जो भी प्लांट्स मतलब जो पौधे से जो भी चीज़ें मिलती है वो उसमें हमें करना है रेड टिक मार्क ग्रीन कलर से. तो टर्मरिक है वो हमें प्लांट्स से मिलती है, फिर कॉर्न, फिर है लेमन, स्पिंच, फिर है पोटेटोज, अजवाइन, फिर है बनाना, टोमेटो, ऑनियन और मिंट. तो इस तरह की चीज़ें हमें सभी प्लांट्स में से मिलती है. अब हम ले लेते हैं रेड कलर. रेड हमें किस में करना है, जो एनिमल से मिलती हो उसमें. तो हनी आप है वो मधुमक्खी में से, वो एनिमल से मिलती है. फिर फिश नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग कुछ इस तरह का खाना खाते हैं तो उसमें आती है फिश, तो वो भी एक एनिमल से मिलती है. फिर मिल्क एनिमल से, काऊ में से मिलता है. फिर मीट, एग, इस तरह का. ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है. और यहाँ पे
आप कुछ नेम लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कॉर्ड, तो भी एनिमल से मिलता है, फिर कॉर्ड है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स का नाम लिख सकते हैं, एप्पल, सॉरी फ्रूट्स का नाम लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स का नाम भी लिख सकते हैं, एप्पल, फिर है पीज, फिर यहाँ पे आप और तीन नाम लिख कर उसमें इस तरह का सर्कल बना सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट, सॉरी इसमें आएगा रेड। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक ऑन मेडिसिन व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट डू यू टेक व्हेन यू गेट हर्ट हैव यू स्टमक। यहाँ पे आपको मेडिसिन मतलब जो दवा है वो प्लांट्स पौधों में से मिलती हो, तो वो यहाँ पे किस किस के पौधों में से, किन पौधों में से मिलती है तो, और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस पौधों का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। गेट हर्ट, हर्ट का मतलब आपको कुछ लगा हो और आप यहाँ पे उसमें किस पौधे का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसमें पौधे का नाम लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, हैव अ स्टमक, फिर अपने पेट में दर्द हो तो आप अजवाइन है वो खाते हैं तो आपका पेट दर्द कम हो जाता है, और हर्ट में आपको कुछ लगा हो तो आप एक यू नो एक पौधा है उसका नाम है, इस पौधे का नाम है पपीता का होता है ना छोटा छोटा पौधा, उसका भी आप पत्ता लेकर उसका मलम बनाकर लगा सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट पत्ते का लेकर इसमें आप लगा सकते हैं, तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। फिर है वो कोफ एंड कोल्ड, फिर आपको कॉफ एंड कोल्ड मतलब आपको सर्दी हो गई है होती है, और अगर कॉफ है तो आप उसमें तुलसी का मिंट, यहाँ पे तुलसी का उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें आप मेल्ट लग सकते हैं। फिर है वो टूथ हेच मतलब आपको आपके टीथ को क्लीन करना हो तो आप वो लिमड़ा मतलब नीम होता है नीम, उसके लकड़ी से आप टीथ अपने क्लीन कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें पौधों में से मेडिसिन मिल सकती है। चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम्स, ड्रॉ अ लाइन, आपको यहाँ पे इस तरह के देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, फ्लावर्स का लीव्स, फ्रूट्स एंड अनदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, तो आपको क्या करना है, पहले हम पिंक कलर ले लेते हैं, फिर जो फ्लावर्स में आए उसमें करना है हमें फ्लावर्स की बास्केट में एरो, और लीव्स मतलब जो पत्ते में आता है उसको इस पत्ते से करना है एरो, फिर फ्रूट्स में और उसके अदर आता है वो उस लास्ट बास्केट में करना है, तो कैरेट है, कैरेट क्या है वो, तो फिर मैंगो है तो मैंगो क्या हो गया, फ्रूट्स, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर है स्पिंच, तो आप यहाँ पे इस तरह से अदर पार्ट से, फिर करी लीव्स वो पत्ता है, फिर पोटैटो, पोटैटो भी क्या है, अदर पार्ट्स, फिर बनाना फ्रूट्स, रेडिस, रेडिस है वो भी अदर पार्ट्स, मस्टर्ड, मस्टर्ड भी अदर पार्ट्स हो गया, कॉफी फ्लावर, फिर कॉफी फ्लावर के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, और रेडिस को भी इस तरह से कर सकते हैं, फिर ग्राम वो बेसन है तो अदर पार्ट्स होगा, देखो इस तरह से। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं हम, पहले देखो फर्स्ट है जिंजर, तो जिंजर का कुछ फ्लावर्स का कुछ प्लांट, जिंजर है उसका प्लांट होता है तो आपको इसके साथ ज्वाइंट करना होगा। फिर है कैरेट, कैरेट का लीव्स होता है, कैरेट के ऊपर पत्ते होते हैं तो इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर फ्लावर ऑफ कुछ हार, तो यहाँ पे उसको फ्लावर्स के साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर मैंगो क्या है, फ्रूट्स है। फिर है जैक फ्रूट्स, वो भी फ्रूट्स है। फिर फ्रेंच ऑफ बीन्स, तो उसके भी लीव्स होते हैं। फिर आंवला, आंवला क्या हो गया, एक प्लांट्स हो गया। फिर है लोटस स्टेम, तो हो गया। फिर स्पिंच है, वो भी एक पौधा। फिर मस्टर्ड, फिर है कॉफी फ्लावर, उसके लीव्स होते हैं, पत्ता होते हैं ना। फिर पोटैटो है, वो क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, पौधा हो गया। फिर रेडिस के भी लीव्स होते हैं। फिर बनाना फ्रूट्स हो गया। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, बास्केट में इस तरह से डाल देना है। ओके, एरो करके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर
कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।